For the first time, since a mysterious pneumonia-like illness broke out in China. With Pakistan two more in Spain now there has been a big increase in the number of coronavirus deaths. Well, so coronavirus, coronavirus is spreading rapidly across Australia. In Italy, nearly 800 population. people have died. With the entire state COVID. of California is now in lockdown. The New Zealand's prime minister is taking hours. radical steps to contain yes. COVID-19 there. In Iran's health ministry confirmed a total of 64 cases. The coronavirus cases have been.

आज वो सारे मारज आजमाइश व इम्तहान में हैं उनका टेस्ट है आज खूब कितने मजार शफा का मरकज थे और उनकी करामतें मरूफ थी कितने बुजुर्ग कितने पीर, कितने मुर्शद कितने कलंदर कितने बाबे, कितने सनासी कितने हकीम कितनी फकियाँ कितनी दुकानें दूसरे दम के लिए आपके पास सात मरीज हैं या जहां दर्द है जिगर की प्रॉब्लम है गुर्दे की है दिल की है गले की है आंख की है काम की है याकि तकलीफ है तो हाँ में। है या है, उसके सर पे बीच चेयर पे जो बैठा है उसके सर पे हाथ रखें वो अपने हाथ नहीं रख सकता था कि उसको भी दम हो जाए आप अब तलाश करें ना इस वक्त कहाँ है वो सारे इस वक्त उनकी जरूरत है अशद जरूरत है उनकी पीछे बैठ पीछे बैठे फिर क्या हुआ क्या हुआ नजर नहीं आपको नजर आप... नहीं आता था आता था फिर को नजर नहीं आता था तूने मुझे दिखाई थी यही जो करामतें दिखाते थे और हाथ फेर के जो गुर्दे हाथ फेर के पेट पे हाथ पे लगा के गुर्दा ठीक कर देते थे जो दिल पे औरतों के सीने पे हाथ मार के दिल का ऑपरेशन कर देते थे बाईपास कर देते थे स्टंट डाल देते थे ये सब इस वक्त कहां है इलमे जफर की रोशनी में इस माह अल्लाह के करम से कुछ ऐसे सितारे जाहिर होने वाले हैं जिसकी वजह से इन जमीन पे रहने वालों को मुसीबत परेशानियों और बीमारियों से निजात मिलेगी सदियों से उलमाए नजून रैयत सुरैया और मेहार के सितारे ढूंढते रहते थे क्योंकि ये तीनों सितारे वो हैं जब, जब जब जमीन से ये सितारे नजर आते हैं अल्लाह के करम से जमीन से बीमारियाँ परेशानियाँ और खौफ खत्म हो जाता था अल्लाह के करम से ये तीनों सितारे मई से जाहिर होना शुरू होंगे दस मई से बीस मई के दरमियान इन शह इलम जफर की रोशनी में जमीन पे खुशियाँ और रौनक आम होती हुई नजर आ रही है और इंसान जो घर में महदूद है वो रफ्ता रफ्ता मसरूफ होना शुरू हो जाएंगे और इस वबा को लेकर कुछ अच्छा खबरें इस तरह से जमीन पे फैलेंगी कि हर दूसरा इंसान अल्लाह का शुक्र करने लगेगा और फिर जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे कुछ ही माह में अल्लाह इस मुसीबत को जमीन से खत्म कर देगा इन हजरत इब्राहिम ने उस जाहिल कौम को नादान कौम को जो अल्लाह की ममलिकत में अल्लाह से दूर है अल्लाह की बस्ती में अल्लाह से दूर है ये कई मुल्कों के आ, हैं वीडियो तस्वीरी सबूत हैं उन्हीं मुल्कों के रहने वालों को उन्हीं मुल्कों के सरबराहों का पूछा गया उन्हें पता नहीं था मसल हिंदुस्तान के अंदर उन्हें पूछा गया कि इस वक्त मसी अभी, अभी भी हिंदुस्तान में एक बड़ी जमीयत ऐसी है जिन्हें पूछे इस वक्त हिंदुस्तान का हाकिम कौन है उन्हें नहीं मालूम बल्कि बहुत बड़े बड़े शख्सियात वजर अजम का फिर चूंकि ज्यादा खबरों में आता है पता होता है सदर का पता नहीं होता कि सदर ममलिकत कौन है अभी अक्सर पाकिस्तानियों को भी अगर बाज उदों का पूछें तो इन्हें नहीं पता जैसे जो ज्यादा नहीं आते ख़बरों में जैसे पाकिस्तानियों में से एक अक्सरियत को अभी भी नहीं पता वजी दाखिला कौन है इनका सबका हुकूमतों में ये नहीं पता होता तो वजरे खारजा कौन है मौजूदा हुकूमत में ये नहीं कम लोगों को मालूम है वजीर दाखिला कौन है वजीर सेहत कौन है इस बीमारी के दिनों में बहरान के दिनों में नहीं मालूम अक्सर को मालूम नहीं जिनकी हुकूमत में रहते हो जिनके तहत रहते हो उनसे आशना तक नहीं हो यानी या उनका आपकी ज़िंदगी में अमल दखल नहीं है इस वजह से आप उनको नहीं जानते क्यों अक्सर मुल्कों के पार्लिमानी निज़ाम के सदूर का पता नहीं होता कि सदर ममलिकत कौन है नहीं पता होता चूँकि सदर ममलिकत का अमल दखल नहीं है लोगों की ज़िंदगी में सदर ममलिकत एक ज़ीनती शख्सियत है और वो ज़ीनती शख्सियत रखी हुई है उन्होंने सफीरों से मिलने के लिए अफ्तह रिबन काटने के लिए अफ्तह के लिए इफ्तार पार्टी में सदर महफिल बनने के लिए किसी और फंक्शन में जाने के लिए तस्वीरें बनाने के लिए सेल्फियाँ जैसे गवर्नर हैं पाकिस्तान के अंदर कि खुद गवर्नर की बेगमात को जैसे पंजाब के गवर्नर साहब की बेगम साहब ने कई दफ़ा कहा है कि हमें यह नहीं पता कि हमारा इख्तियार क्या है हमारा दायरा इख्तियार क्या है हमारे हाथ में क्या है हमें अभी तक नहीं पता चला कि गवर्नर किस काम की दवा है किस दर्द की दवा है अब आपने भी नहीं देखा होगा कि गवर्नर कभी हुकूमती मसले में अवामी मसले में अपने तौर पर कोई गवर्नर हो सलाहियत वाला मीडिया में आता रहे अपने जौहर दिखाने के लिए तो ठीक है वरना हुकूमती ढांचे में गवर्नर एक उज मुल होता है इस तरह के जिन लोगों को पता या तो उसकी तासीर नहीं है या तासीर है लोगों को खबर नहीं है और जिसकी तासीर है वो दूसरों को बताते जा रहे हैं ये कैसे मुमकिन है कि, कि अल्लाह की ममलिकत में इंसान रहे अल्लाह के कवानीन के तहत रहे और उसे यही ख़बर ना हो कि अल्लाह कौन है अल्लाह कहाँ है अल्लाह क्या है और ममलिकत किसकी है निज़ाम किसका है क़ानून उसका कौन सा है किस कानून के तहत यहाँ क्या हो रहा है यही उसको ख़बर ना हो ये काम दो माहिर दो मकार दो चालाक दो शोबदाबाज ये काम कर सकते हैं ये तलिसम यह चश्मबंदी जैसे मदारी है न मदारी का काम होता है चश्मबंदी करना आप में से अक्सर ने देखा होगा पाकिस्तानी हर पाकिस्तानी ने मदारी देखा हुआ है बल्कि बहुत सारे तो खुद मदारी हैं लेकिन बहुत सारों ने दूसरों को देखा हुआ है मदारीपान करते हुए मदारी ये होता है कि वो मजमा लगा के और फिर लोगों के सामने आग लगा देता है किसी बंदे को लिटा के उसका सर धड़ से जुदा कर देता है मुंह में अपने आग के अंगारे डाल लेता है लोटा पड़े पड़े लोटे में पानी उबलने लगता है रस्सी को सांप बना देता है कोई काम कर देता है और लोग देखते हैं बाकायदा हो रहा है वो होता हुआ देख रहे होते हैं जो मदारी कह रहा है वो सारा कुछ हो रहा होता है लोगों को नजर आता है बाकायदा झूठ नहीं होता यानी लोगों को जो नजर आ रहा है ये बिल्कुल दुरुस्त है कि लोगों लोग देख रहे हैं ये चीज़ लेकिन आया वाक ऐसे हो भी रहा है जो नजर आ रहा है ना वो कुछ भी नहीं हो रहा कोई आग नहीं है कोई तन से जुदा नहीं हुआ कोई लोहा नहीं टूटा तलवार नहीं टूटी लोटा नहीं उबला कुछ भी नहीं हुआ तो फिर ये क्यों नजर आ रहा है इसको चशमबंदी कहते हैं ये एक इल्म है उस इल्म के मुताबिक इंसानों की चशमबंदी की जाती है और इंसान को वो नजर आता है जो ये मदारी कहता है वही इंसान समझते मैं देख रहा हूं जबकि होता नहीं है ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा होता लेकिन नजर ये आ रहा होता है इसको चशमबंदी कहते हैं ये चशमबंदी तो तबके ये मदारी ये काम करते हैं जमीयत और आवाम की आंखें बंद करके उनको बेबसीरत बेशूर बना देते हैं एक आजर तबका सामरी और आजर और एक नमरूद और फिर ये दो ग्रोह हैं खूस जब इनको कारून की मदद भी हासिल हो श्दाद का तान भी इनके साथ हो श्दाद सरमायादार है सन्नतगर और कानून कानून सरमा है ताज़िर। अगर सरमा का तान भी इन दोनों को हासिल हो सामरी को और फिर उन और नमरूद को और आज़र को ये पूरी ममलिकत की चश्मबंदी कर देते हैं आंख बंद कर देते हैं और लोगों को वो नजर आता है जो कुछ ये कह रहे होते हैं इन्हें पता है कि आप फला जगह जाओ फला पीर के पास जाओ और वहां से आपको ये तासीर मिलेगी और इन्हें वो तासीर गोया नजर आ रही होती है ये हर मसलक ने अपने लिए इस तरह के मराकज बनाए हुए हैं इस तरह के मुकदसात बनाए हुए हैं हर मसलक के अंदर हैं आप हत खुश्क तरीन मसलक मुसलमानों के अंदर सबसे खुश्क मसलक जिस जो अपने आप को एक किस्म का मुबारिस समझता है इन खुराफात के खिलाफ और सब उसके अंदर भी ये खुराफात सारी मौजूद हैं वो भी इस तरह का देहान आखिरकार कहीं ना कहीं उनके पास भी कोई ऐसी चीज़ मौजूद होती है खूब जिसके पास जो था जिस मसलक के पास चूँकि अभी तक मसू पाकिस्तान सत्तर साल पाकिस्तान में कितने पीर पैदा हुए कितने मुर्शद कितने कलंदर कितने मराकज कितने मज़ार कितने इस तरह के मुक़दस लोग कितनी दुआएँ कितना फला ये मुस्तजाब हुआ करामत हुई वो सारा सत्तर साल में हुआ और सत्तर अरब से ज़्यादा करामतें पाकिस्तान में अभी तक जाहिर हो चुकी हैं खूब ये सारे मिलकर अभी क्यों नहीं आते मैदान में कोरोना के लिए इस वबा से सारी दुनिया को निजात दो और सारी दुनिया नहीं बचा सकते हो पाकिस्तान को तो निजात दो पाकिस्तान को नहीं बचा सकते हो कम से कम अपने आप को तो बचा लो अपने खानदान को बचा लो अपने शहर को बचा लो अपने मजार को बचा लो ये क्यों सब बंद करना पड़ा इस के अंदर अब इब्राहिमी शुरूर इब्राहिमी बसीरत उम्मत इब्राहिम कौन है उम्मत इब्राहिम आज वो हैं जो ये नुकता पा लें कि ये जो कुछ आजर ने बना के रखा हुआ था वो सारा बेतासीर है हजरत इब्राहिम ने वो सारा काम वो वीरानी बुतकदे में इसीलिए इजाद की थी कि ये जाग जाए इन में शुर आ जाए इन्हें पता चल जाए कि ये सब बेतासिर हैं और इसके साथ साथ एक और जो तवाहमात हैं तखीलात हैं फ़र्जी मसाइल थे वो भी इंसान को समझ में आ जाना चाहिए कि उनके बारे में ग़लत फ़हमी ईजाद की गई थी मसलन क़ाबा इबादत की जगह है क़ाबा का एक फ़लसफ़ा है अल्लाह के निज़ाम में हिदायत इंसान में क़ाबा की एक सीत है जो अल्लाह ने काबा का जो मकाम बनाया था वो अपनी जगह अलहदा है क़ुरान ने काबा का जो हज़रत इब्राहिम ने काबा की जो बुनियाद रखी और काबा की तरफ लोगों को दावत दी काबा की मरकजियत काबा में उम्मत साज़ी का अमल काबा में हिदायत ये सारी चीज़ें अपनी जगह ये एक तरफ़ हैं इनकी तरफ हम नहीं आते कि सुन्नत इलाही में सुनत इलाहिया में काबा का किरदार क्या है या काबा का रोल क्या है उस उसको बंद कर दिया है काबा के लिए एक खुद से एक दीगर तासीर जो हमने खुद फर्ज कर ली थी तो उससे काबा को नहीं तासीर खत्म हुई काबा अपना रोल अभी भी अदा कर रहा है काबा आज भी वही मरकज है खाली काबा भी वही मरकजियत तो उसकी कायम है अपनी जगह पर लेकिन जो बंदों ने काबा से तोहमत बंदों के जहनों में आए थे काबा की तासीर ख़त्म नहीं हुई तोहमत ख़त्म हुए बातिल साबित हुए कि काबा अपनी एक रखता है काबा का एक अपना मकाम है काबा का एक अपना रोल है मुकदस तरीन जगह रुए ज़मीन पर काबा है काबा से बढ़कर तो तकदस किसी जगह को हासिल नहीं है खूब काबा क्यों बंद कर दिया गया काबा में तो आज सबको काबा में ले के जाना चाहिए था शफा होनी चाहिए थी मैं रात को जरन शहरी के वक्त वो मंजर देख रहा था एक टीवी चैनल लाइव काबा दिखा रहा था और मशद मुकदस का हरम दिखा रहे थे लाइव दिखा रहे थे बिल्कुल खाली एक बंदा बशर उसके अंदर नहीं है वो मराक़ मजहबी जहाँ लाखों लोग बत वक्त मौजूद होते थे आज उनमें एक बशर भी नहीं बिल्कुल बनसील दूर और डर से नहीं जाते लोग कि अगर हम जाएंगे वहाँ पर बीमार हो जाएंगे और ये तो आपने शफा की जगह मानी हुई थी यहाँ क्यों डरते हो यहाँ तो शफा मिलती है अगर बीमार हो तो सारे बीमारों को इन मराक़ में लेकर आओ यहाँ क्रंतीना के बजाय सब को काबा में ले जाओ सब को इन मुकद्दस जगहों पर ले जाओ बजाय बजायदा अस्पतालों में क्रंतियाना बनाने के बजाय लोगों को सब बीमारों को पूरी दुनिया के बीमारों को वहां ले जाएं और मुकदस जगहों पर रहेंगे ठीक हो जाए ये तवाहम था हमारा कि अल्लाह ताला का कानून का ये नहीं है कि मुकदस जगहों पे इंसान की सलामती और तंदरुस्ती के असबाब हैं मुकदस जगहों पे अल्लाह का कानून का और है वो और मकसद के लिए और फलसफे के लिए किसी और हदफ के लिए अल्लाह तुन को मुकर किया है मसाजिद का एक अपना फलसफा है मसाजिद बंद हैं जो तवाहम तवाहम था इंसान का कि जी हम तो जहाँ भी हों मस्जिद में जाएं दुआ करेंगे ठीक हो जाएंगे लेकिन आज मस्जिद में जाने से डरते हैं और हुकूमत भी डरा रही है कि मसाजिद को बंद करो ना आओ आते भी हो तो फ़ासले रख कर आओ मसाजिद में क्यों खौफ लग रहा है आने से और मिलने से इसलिए कि मसाजिद अस्पताल नहीं हैं मसाजिद मसाजिद हैं मसाजिद में एक और हदफ़ एक और मकसद एक और हिदायत का मरकज़ है मसाजिद व क़बा और हरम हिदायत के मराकज़ हैं उम्मत साज़ी के मराकज हैं उम्मत के बंदगी के मराकज़ हैं अल्लाह के कवानीन में एक वो पहलू भी है एक वो जबा भी है उसके लिए वो मराकज थे अगर उन मराकज़ की हैसियत को आप तब्दील कर दें खुद अपने तोहमात में खूब ये सारे तोहमात आज खत्म हो गया ना तोहुमात खत्म हुए मस्जिद बेतासीर नहीं हुई काबा बेतासीर नहीं हुआ हरम बेतासीर नहीं हुए बशर साबित अब ये शोर आ जाना चाहिए हमें कि तासीर किसकी है अव्वल जो मनगढ़ थे जिनका तकदस ही नहीं था और बनाया हुआ था जैसे खुद इलाकाई तौर पर किसी जगह कोई मरकज बना हुआ था और लोग धड़धड़ अस्पतालों को छोड़ के वहां जा रहे थे आज बेतासीर हो गए वो मराकज बेतासीर हुए लेकिन दीन ने जो मराकज मरफी किए हैं उनकी तासीर दीन ने ये नहीं बयान की थी उनकी तासीर दीन ने हिदायत बयान की थी कि काबा हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने मुकरर किया था हजरत इब्राहिम ने इसलिए लोगों को नहीं कहा था कि जब भी बीमार हुए काबा आ जाना और वहां आकर आपको शफा मिलेगी तवहमात हकाइक के बारे में तोहमात हो जाते हैं और तवहमात के साथ हैं खुराफात खुराफा यानी मनगढ़त चीज़ें जिनकी कोई ना हिदायत में कोई तासीर है ना उनकी शफा में कोई तासीर है ना इंसान की ज़िंदगी में कोई तासीर है उनकी ये जैसे बने हुए हैं लोगों के हर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में पाकिस्तान में और ईरान में अरब दुनिया में मगरबी दुनिया में मगरबी दुनिया सख्त खुराफाती दुनिया है जिन्हें हम समझते हैं बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं बड़े टेक्नोलॉजी और साइंस के पैरोकार हैं फलाह हैं ये हमसे भी ज़्यादा खुराफाती हैं ये और इनकी खुराफा बहुत बदतर नतीजा देती हैं मगरबी दुनिया की खुराफात हैं ये भी बहुत सारी अशिया के नवसत के भी कायल हैं बहुत सारी अशिया के तबर्रक के भी कायल हैं मसन अंगूठियाँ एक पाकिस्तान के अंदर और दीगर दुनिया में भी है जो लोग अंगूठियाँ पहनते हैं अंगूठियाँ बेचने वाले अंगूठी खरीदने के लिए पहले नजूमी के पास जाते हैं फिर सतारे पहले कश करवाते हैं फिर जायचे बनवाते हैं फिर सतारे और इंसान में रब जोड़ते हैं फिर सतारे और पत्थर में आपस में रब जोड़ते हैं फिर वही पत्थर इंसान के लिए तजवीज करते हैं कि तुझे इस पत्थर की अंगूठी पहननी चाहिए यह अंगूठी पहनेगा तू नुकसान से भी बच जाएगा बीमारी से भी बच जाएगा बे औलादी से भी बच जाएगा फ़लां से भी बच जाएगा खूब ये अंगूठियाँ किधर हैं आज ये ये सारे पत्थर क्यों आज अंगूठियाँ पहनाते जो कोरोना खत्म करते जो अंगूठी मुस्तहब है पहनना शरीयत इस्लामिया में मुस्तहब है पहनना दो बाब से अंगूठी पहने मर्दों के लिए एक एक तो सोने की अंगूठी नहीं पहने नहीं तुमने मर्दों के लिए ममनू है और अक्सर मोमिन ने पहनी होती है और कभी पहने ना पहने शादी में अतमन सोने की अंगूठी ससुराल वाले पहनाते हैं और दूल्हे को बहुत सारे मजहबी लोगों को अंगूठियाँ पहनी होती हैं अंगूठी पहनो बेशक पहनो वाजिब नहीं है ज़रूरी नहीं है नहीं पहनते ना पहनो अच्छी लगती है तो पहनो दो मकसद के लिए एक जीनत के लिए अंगूठी जीनत होती है इंसान की और एक ये कि ये मुस्तहब है पहनना अलामत है जैसा बाज़ रिवायात के अंदर है कि एक अलामत के तौर पर इंसान पहनता है जैसे बाज़ रिवायात के अंदर है कि मोमिन की यह अलामत हैं अलामतों में से एक अलामत है लेकिन ये अंगूठियाँ आपको वबाओं से बचाएंगी ये अंगूठियाँ आपको बीमारियों से बचाएंगी ये अंगूठियाँ ये क्या करेंगी ना ये अंगूठियों का इससे ज्यादा कोई असर नहीं है पत्थरों का पत्थर है ये भी पत्थर है पत्थर गढ़ा हुआ हो सामने पड़ा हुआ हो मूर्ति बनी हुई हो और आप उसकी तासीर के कायल हो या पत्थर उंगली में पहना हुआ हो नगीन बनाया हुआ हो, और आप इसकी तासीर के कायल हो बात दोनों सूरतों में एक ही है कोई फर्क नहीं पड़ता वो पत्थर उधर सामने रख के दो जानू होके बैठ के उसके सामने कर्निश करें आप या पत्थर अंगूठी में पहन के और इसको कहें कि अब इसके सिग्नल मिल गए हैं किसी के मुश्तरी से किसी के जहल से किसी के उतारद से किसी के फलां से और वहाँ से महफूज शुआ आपके जिसम में उतर रही हैं ये तोहमात हैं खूब ये तोहमत बसीरत इब्राहिमी से इंसान का जहन छटता है ऐसे मौक़ों के ऊपर यानी ये एक मौका है इंसानों के लिए सारी चीज़ में नज़र ऐसानी करो घरों में बैठ के हो जाकर घरों में बैठ के फारग न रहो अकवाम मतहदा ने एक ख़तरा अजीब वरीब जाहिर किया है अभी आज ही ऐलान किया है उन्होंने कि कोरोना के इस आइसोलेशन में और लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा ख़तरा बशरीत को और लाक हो गया है वो क्या है वो ख़तरा ये अव मतहद ने आज ऐलान किया है कल शायद हमारी अखबारों में भी छाप जाए कि नाखास्ता चूँकि आबादी ज़मीन की बहुत ज़्यादा है बढ़ गई है ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है पहले से कंट्रोल के लिए कोशिश कर रहे हैं इन्होंने कहा है कि ये उन्होंने आदाद शुमार भी दिए हैं कि अभी नाखास्ता जो नसल बढ़ेगी इंसानों की इस करोना के लाकडाउन में ये एक और बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है अब इनको लॉकडाउन के खतरा की तरफ तोजह आई है कि नाखास्ता नस्ल बढ़ना शुरू हो गई है पहले तो नस्ल उन्हीं के होती थी जो चाहते थे अब वो कह रहे हैं नाखास्ता बढ़ेंगी बहुत सारे और ये लॉकडाउन के नुकसान बताए हैं उन्होंने क्या बेहतर नहीं कि इस लॉकडाउन में आप फरागत के दिनों में बजाय मीडिया पे वक्त ज़ाया कर के बजाय उम्र तलफ करने के आप जरा नज़रसानी शुरू कर दें कि उम्र भर जिन पर तकिया था वो आज क्यों काम नहीं आ रहे जिन पर भरोसा था जिनके जिन अवामिल की तासीर के हम मतदेद थे वो आज क्यों नहीं काम आ रहे हमारे भले तोहमा उधर ये ना कहो कि अब काबा भी इसका मतलब है हमारा तो एतक़ाद काबा पर भी था हमारा तो एतक़ फलां पर भी था बस वो भी उनकी भी अब कोई हैसीयत नहीं रही ना वहाँ आपका तवाहम बातिल हुआ है चूंकि काबा तो इस मकसद के लिए नहीं बनाया गया था काबा का ये हदफ ही नहीं है काबा का मकसद हिदायत और उम्मत साजी है वो आपने हासिल नहीं किया वो कानून अल्लाह का अलादा है मस्जिद का कानून अलादा है जो चीजें उनमें से एक चीज के बारे में मुमकिन है बार बार जैन आता हो जैसे आता भी है कि दुआ क्यों बेअसर हो गई है वही बात हम इस बात से सुनने में समझना चाह रहे हैं कि ये दुआ कितनी मुताबकत रखती है कानून खुदा के साथ अल्लाह के कानून के साथ कितनी मुताबकत रखती है आप आज जाए नादरा के दफ्तर में जाकर कोई तब्दीली करना चाहें वो कहते हैं ये कानून के खिलाफ है कानून के मुताबिक नहीं है आपकी ख्वाहिश आपकी गैर क़ानूनी है आप पाकिस्तान की अदालतों में गैर कानूनी दरख्वास्त दायर करें कबूल नहीं करते रद्द कर देते हैं दरख्वास आप पाकिस्तान के किसी दफ्तर में जाएं, दुनिया के किसी मुल्क के किसी भी दफ्तर में उसका शहर जाए उस मुल्क के कानून के खिलाफ कोई भी दरखास्त दायर करे वो दरख्वास एक्सेप्ट ही नहीं कीजिए सुनी ही नहीं जाती क्योंकि कानून के खिलाफ है आप दुआ जरूर मुसर है और दुआ मुस्तजाब भी है चूंकि अल्लाह का वादा है वो दूनी अस्तजब लकुम तुम दुआ करो मैं जवाब दूंगा मैं तुम्हें आ, कबूल करूंगा दुआ तुम्हारी ये वादा है अल्लाह ताला का लेकिन गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए दुआ खूब गैर कानूनी हमें क्या पता है कि हमारी दुआएं कानूनी है या गैर कानूनी है चूंकि हमें कानून का ही नहीं पता हमें अल्लाह के कवानीन का नहीं पता हम क्या दुआ मानते हैं मन्नत मान के क्या जिस तरह बहुत सारे लोग हैं ना मन्नत मानते हैं ये जो बाज तो मनाजिर दिखाई भी जाते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी उनकी बनी हुई हैं बाज नहीं दिखाए जाते जैसे मैं मिसाल बदल के पेश करता हूँ चोर चोरी के लिए जाता है मन्नत मान के किसी मजार पर किसी बाबा जी के मजार पर जाके मन्नत मानता है कि बाबा जी देख चढ़ाऊंगा अगर आज रात डाके में पकड़ा ना जाऊ और फिर पकड़ा नहीं जाता वापस आके देख भी चढ़ा देता है बाबा जी की करामत का कायल हो जाता है दिल से आने वालों को भी कहता है कि डाके से पहले इस बाबा जी की देख जरूर चढ़ाया करो इनकी मन्नत मान के जो डाके में इंसान पकड़ा नहीं जाता बाबा जी तो मुमकिन है डाके में कुछ ना कर सकते हो लेकिन अल्लाह का कानून ये है कि जब भी आप अल्लाह के कानून अल्लाह की मुकर सुन्नत के खिलाफ कुछ भी करोगे तो वो दुआ सुनी ही नहीं जाती वो दुआ जो मुताबकत रखती है अल्लाह के कानून के मुताबकत साथ मुताबकत रखती है कानून खुदा सुन्नत खुदा है कानून खुदा सुन्नत खुदा है